हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं काफ़ी दिनों बाद एक वीडियो बना रहा हूं, जो हैंग ग्लाइडर पे हम पाइप लगाते हैं हैंग ग्लाइडर के अंदर सिल्वर का, उसकी आज हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, बताएंगे वो कितने इंची मोटा होता है। बहुत से भाई कमेंट करते हैं कि भाई हमें आप अपने पाइप का साइज बताओ, लंबाई बताओ, चौड़ाई बताओ। आज हम आपको पाइप का इंच टेप से बताएंगे कि पाइप कितना चौड़ा और कैसे कैसे होना चाहिए। आओ, सिल्वर का पाइप है ये, कम से कम 3 किलो वेट का पाइप है और ये 2 mm मोटा है। और इसकी जो ये घेरा है, जो चौड़ाई है, जो इसका वो है, वो आज हम आपको बताएंगे। आप कमेंट में पूछते रहते हैं भाई इसकी मोटाई बता दो, भाई ये कर दो वो कर दो, तो मैं आज आपको दिखाऊंगा। वैसे मैं वीडियो काफ़ी दिनों के बाद बना रहा हूं, अभी मेरे पास कोई छतरी नहीं है, दोबारा से मैं छतरी डिजाइन करूंगा। अब की बार मैं ओरिजिनल किट बनाऊंगा, ओरिजिनल छतरी बनाऊंगा जिसमें ये सिल्वर का ये T6 का पाइप होगा और कपड़ा मैंने ओरिजिनल मंगाया है ऑर्डर करके, तो अब की बार देखना मेरा विंग कैसे बनेगा। और सबसे पहले बात है भाई, आप लोग मेरे को सपोर्ट नहीं करते हो, मेरे को आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। मुझे पैसा नहीं चाहिए किसी का, मुझे बस सिर्फ यूट्यूब में सपोर्ट चाहिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। बहुत आदमी वीडियो देखते हैं और बस ऐसे ही हो गया। अब मैं आपको बताता हूं जानकारी। देखो ये मेरे पास इंस्टेप है, इसमें शायद आपको पता चल जाए देखने के बाद में कि ये कितना है। देखो इसमें कितना है, मैंने चश्मा नहीं लगा रखा है। ये 2 इंच मोटा पाइप है, ये 2 इंच मोटा पाइप है और ये हैंग ग्लाइडर के अगले हिस्से के पाइप है। इसमें एक दूसरा पाइप घुसता है जिससे हम हैंग ग्लाइडर का आकार, मान लो पाइप 12 फुट में आता है, 12 फीट से ज़्यादा लंबाई पाइप की हमको नहीं मिलती है। ऑर्डर करोगे तभी मिलेगी आपको 20 फुट का पाइप। अगर 20 फुट का पाइप हम बनाने लगे तो वो कैसे बनाएंगे? हम एक दूसरे पाइप जोड़ने के लिए इस तरह से बंडल खरीदे हैं कि एक बंडल इसका खरीदा, एक इसका खरीदा, उस हिसाब से हम इसको एक दूसरे में जोड़ के दिखाएंगे। ये घुस गया एक दूसरे में। ये टाइट घुसना चाहिए, ये टाइट घुसना चाहिए। अगर ये ढीले, ज़्यादा ढीला होगा तो आपके ऐसे ऐसे बेंड करेगा और हवा में आपको मतलब सही आकार नहीं देगा, मतलब आगे झूलेगा पाइप। ये पाइप कम से कम आप इसमें इतना पाइप घुसा दो, एक फिट पाइप आप ऐसे घुसा दोगे, इसमें ऐसे घुसा दिया आपने एक फिट पाइप, तो आप फिर आपका 20 फिट पाइप बना, आराम से 20, 25, 22 जितने लंबाई चौड़ाई हैंग ग्लाइडर की होती है वो आप अपने अनुपात के हिसाब से बना सकते हो। लेकिन ये पाइप आपका लूज नहीं होना चाहिए। देखो मेरा ये लूज नहीं है बिल्कुल भी, मैं इस हिसाब से खरीद के लाता हूँ कि पाइप बिल्कुल लूज नहीं होना चाहिए। अगर आपका पाइप लूज होगा तो बेकार होगा। पाइप फिक्स आना चाहिए, आपका हैंग ग्लाइडर बनने के लिए फिक्स पाइप आना चाहिए एक दूसरे का। और ये पाइप आपका T6 है, 60-63 T6 है, उनका 60-61 होता है, लेकिन वो हमारे यहाँ पे मिलता नहीं है, वो बाहर देश से ऑर्डर करो या मंगाओ वो फुट के हिसाब से आता, और हम ये किलो के हिसाब से खरीदते हैं। ये मेरे को पूरा बंडल ऑर्डर करना पड़ता है या बंडल के हिसाब से मैं लेता हूँ। ये जानकारी मैं जो आपको दे रहा हूँ, ये एक दूसरे के उसमें पाइप घुसाने वाली है, हैंग ग्लाइडर को किस तरह आप टच कर मतलब एक दूसरे को जोड़ते हैं। दोस्तों मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूं, अब मैं दोबारा से काम स्टार्ट कर रहा हूं। पहले जो मैंने हैंग ग्लाइडर बनाया था वो मैं किसी को सेल वेल जैसे भी मेरे पास चला गया, अब मेरे पास हैंग ग्लाइडर नहीं है। अब मेरे पास ये है, ट्रिक है दूसरी, ये मेरी पहली वाली ट्रिक है जो मैंने डिजाइन कर रखी थी। ये बिल्कुल मेरी कंप्लीट है, मतलब मेरी इसमें कोई दिक्कत नहीं है कुछ भी, बस इसमें मैं अपना वही
वो वाला इंजन, ये वाला इंजन मैंने इसमें लगा दिया था, वो इसमें रख के और ये डिजाइन अपना फिर से उड़ाऊंगा। लेकिन अब की बार रिंग जो ओरिजिनल किट में बनाऊंगा, जिससे कि मेरे को कोई नुकसान ना हो। अभी तक मैं लोकल कपड़े से बनाता था, जो वो नीला रंग कपड़ा है वो मेरे पास लोकल कपड़ा और तिरपाल, जो तिरपाल होती है जैसे कि आप छप्पर पे तिरपाल डालते हो प्लास्टिक की, उसी से मैंने उड़ान भरी है। मैंने भारत के अंदर ये काम करके दिखाया कि हैंग ग्लाइडर की नकल करके दिखाई है और उसको सक्सेसफुल करके दिखाया। अभी तक मेरे पास कोई दूसरा आदमी मुझे नहीं मिला है जिसने हैंग ग्लाइडर की सफल उड़ान भरी हो अपने आप बनाने के बाद। मैंने हैंग ग्लाइडर डिजाइन किया, बनाया और मेरे को काफ़ी साल लगे इसे बनाने में और उसकी जानकारी में, लेकिन अब जानकारी हो गई है तो मैं इसको कम से कम 10 दिन के अंदर तैयार कर सकता हूँ। पूरा हैंग ग्लाइडर में किट के साथ 10 दिन के लिए पूरा तैयार कर सकता हूँ, जिसको मैं उड़ा सकता हूँ और सफल उड़ान भर के दिखा सकता हूँ। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा चैनल बढ़ नहीं रहा है, कोई मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहा है। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे।